कार्तिक अमावस्या को प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर का नजारा बेहद ही अद्भुत और आकर्षक हो जाता है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या की काली रात्रि तंत्र मंत्र की सिद्धि और साधना के लिए अहम माना जाता है। ज्योतिषों के अनुसार तंत्र मंत्र की साधना और सिद्धि के लिए इस पावन धरती का विशेष महत्व है, इसलिए कई बड़े साधक और तांत्रिक या साधना के लिए देश के कोने कोने से पहुंचकर मां की आराधना कर तंत्र मंत्र से साधना करते हैं। इस मौके पर कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इसके तहत मंगलवारी समूह के द्वारा भोज का आयोजन किया गया। रजरप्पा मंदिर के पुजारी असीम पंडा ने बताया कि 10 महाविद्या में दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रथम रूप है। दिवाली की रात मां के दर्शन का खास महत्व है, इसी वजह से झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल सहित आसपास के राज्यों के लोग यहां आते हैं और तंत्र सिद्धि के लिए साधु संतों का भी यहां पर देश के कोने कोने से जमावड़ा लगता है। यहां बहुत बड़े बड़े साधक आ चुके हैं, तांत्रिक आ चुके हैं, जो गुप्त रूप से साधना करते हैं और निकल जाते हैं। रजरप्पा मंदिर ही ऐसा झारखंड में क्षेत्र है जहाँ साधना करने का बहुत बड़ा महत्व है। इसका तो जितने भी साधक आते हैं अपना तंत्र के अनुसार साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। बाबा जी, मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए आज रात भर खुला रहता है? आज अभी हम लोग का वार्षिक पूजा चल रहा है, जिसका आवाज़ आप लोग का आ रहा है। वार्षिक पूजा के पश्चात मंदिर दर्शनार्थी के लिए खोल दिया जाएगा। आज मंदिर न्यास समिति की तरफ से 13 जगह दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं हवन होता है। इस दिन बेहद ही आकर्षक तरीके से माँ के मंदिर को सजाया जाता है। चमचमाती रंग बिरंगी रोशनी से सजा माता का दरबार लोगों के मन को मोह लेता है। सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिके के व दक्षिणेश्वर काली मंदिर सहित अन्य मंदिरों का चमकता हुआ रंग, रंग बिरंगी रोशनी लोगों को अपनी ओर खींचता है। इन मंदिरों का पट रात भर खुला रहेगा और आज पूजा अर्चना पूरे रात जारी रहेगी। मंदिर के पुजारी सुबोध पंडा ने कहा कि प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में दीपावली की रात बड़ी तादाद में श्रद्धालु और साधक का जमावड़ा होता है। लोग दूर दराज से माँ का दर्शन करने पहुंचते हैं, साथ ही भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका भी मंदिर न्यास समिति खासा ध्यान रखता है। काली पूजा में विशेषकर यहाँ पर बंगाल उड़ीसा अलग अलग राज्यों से आते हैं, रोज रात यहाँ पर लोग साधक लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि माँ के दरबार में सभी 13 कुंड में हवन होता है दुर्गा सप्तशती से। अभी 8 बजे से चालू होगा माँ का श्रृंगार आरती होने के बाद, जो वार्षिक पूजा होता है, पूजा होने के बाद फिर आम पब्लिक का पूजा होगा और उसके बाद 13 कुंड का संकल्प करके पूजन चालू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर रजरप्पा थाना प्रभारी विद्याशंकर ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। न्यूजीलैंड के लिए चितरपुर से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। रजरप्पा मंदिर पूरी रात खुली रहती है, माँ छिन्नमस्तिके का दरबार रात भर खुला रहता है श्रद्धालुओं के लिए। सीमावर्ती जिला एवं सीमावर्ती राज्यों से काफ़ी तंत्र साधक लोग रात्रि में पहुंचते हैं एवं तंत्र साधना करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई तंत्र साधना मानी गई मनोकामना पूर्ण होती है। इस अवसर पर करीब 100 की संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। पूरी रात हम लोग पेट्रोलिंग कर, स्टैटिक ड्यूटी कर, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। किसी भी श्रद्धालु को, बाहर से आए श्रद्धालु को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।